दुनिया में मतलब जैसे हम देखते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, फिर भी इतना बुराई क्यों है कि लोग गरीबी से मर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मर रहे हैं। तो भगवान दयालु हैं या क्रूर है, मतलब कैसे ऐसा हो रहा है? भगवान जो है सूर्य के समान है, पूरी तरह से दयालु हैं, पूरी तरह से ज्ञानी हैं, समर्थ हैं। किंतु हम सबके पास स्वतंत्रता है कि हम भगवान के प्रति उन्मुख रहें या विमुख हो जाएं। ये स्वतंत्रता है। उन्मुख होने का मतलब है हम अपने स्वेच्छा से भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान के साथ रहते हुए कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। और विमुख का मतलब होता है कि हम भगवान से अलग अब कोई रास्ता अपनाना चाहते हैं, उसको कहते हैं विमुख होना। तो जब हम भगवान से अपना मुख इस प्रकार से फेर लेते हैं, तो अब द्वंद्व की परिस्थिति आ जाती है कि वहां पर प्रकाश भी है, अंधकार भी है। तो इसलिए इस जगत में हमें ये स्वरूप दिखाई देता है। जैसे ही हम लोग सब जो है भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएंगे, तो फिर हमें सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। भगवान का जो गुण है वो पूरी तरह से उस गुण में हम लिप्त हो जाएंगे। वो पूर्ण ज्ञान में ही है, वो आनंद में ही है, तो उसमें पूरी तरह से लिप्त होंगे। लेकिन जब हम विमुख होकर अलग कोई अपना रास्ता चुन लेंगे, तो वहां पर ये परिस्थिति उत्पन्न होगी। और ये परिस्थिति जो है अंधकार का, जहाँ पर परेशानियां हैं, दुख भी हैं। तो इस संसार में देखेंगे कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत सुखी हैं और कुछ बच्चे जो हैं उनके साथ बहुत ही दुखद घटनाएं घटती हैं। दोनों ही दिखाई देगा। और उसका कारण ये है कि हमने भगवान से अपना मुख फेर लिया है। और हमारे जीवन में भी ये दिखाई देगा। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे परिस्थितियां होंगी जो बहुत ही आनंद की होंगी, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी बहुत दुख की होंगी। तो हमारे जीवन में जो हो रहा है वो दूसरे देख पाएंगे, और उनके जीवन में जो हो रहा है वो हम देख पाएंगे, क्योंकि हम सब जो हैं भगवान से विमुख हो गए। तो जिस दिन हम सब मिलकर भगवान के प्रति उन्मुख हो जाएंगे, उस दिन जो है ये अच्छा बुरा का जो द्वंद्व है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही गुण रहेगा। वो कौन सा गुण है? भगवान का जो गुण है, पूरी तरह से वो अच्छे हैं।